बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़े लोग इस समय यूपी पुलिस प्रशासन की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। मुख्तार अंसारी के नेटवर्क से जुड़े होने और कई तरह के गैंग को चलाने के आरोपियों पर एक एक कर अब तक कई कार्रवाई हो चुकी है। ये कार्रवाई मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर जैसे पूर्वांचल के शहरों में हुई है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के एक कथित सहयोगी सुरेश सिंह पर दोबारा बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मऊ जिले में की गई है। आइए खुद मऊ के एसपी से ही विस्तार पूर्वक इस कार्रवाई के बारे में जानते हैं। सुरेश सिंह जो कि मुख्तार अंसारी के सहयोगी हैं, उनके विरुद्ध 14A के तहत जिलाधिकारी मऊ द्वारा पूर्व में गाड़ियों की सीजर के लिए आदेश दिया गया था। उसके अनुक्रम में पहले 13 गाड़ी सीज की गई थी, जिसकी कीमत 1,91,30,000 आकी गई थी। पुनः 10 गाड़ी जो उनकी और थी उसको भी सीज किया गया है, जिसकी कीमत 1,69,65,000 है। इस तरह अब तक मुख्तार के सहयोगी सुरेश सिंह की 3,60,95,000 की जो वाहन थे उनको सीज किया जा चुका है। सीज गाड़ियों को भी पता करके कार्रवाई की। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बार सुरेश सिंह की कौन कौन सी गाड़ियां जब्त की गई हैं। सुरेश सिंह की 23-23 लाख की 4 बसें और 26 लाख रुपए की 1 बस जब्त की गई है। इसी तरह 35 लाख की ट्रक, 2 लाख की बुलेट, 90,000 की बाइक, 70,000 की स्कूटी और 13 लाख की ब्रेजा गाड़ी जब्त हुई है। इस तरह कुल मिलाकर 1,69,00,000 से अधिक के मूल्य के वाहन सीज हुए हैं। अब तक कुल 3,60,00,000 से अधिक के 23 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस सुरेश सिंह को वसूली गैंग D34 का सदस्य बताती है और उन्हें जनपद में वसूली माफिया के रूप में चिन्हित कर रखा गया है। ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।